बोल हीरा बोल, क्या चे तेरो मन है में, दिल की बात बोल, क्या चे तेरो दिल है में, बोल हीरा बोल, क्या चे तेरो मन में, दिल की बात बोल, क्या चे तेरो दिल में, बोल हीरा बोल, चुप न रो नके लाग जी, तेरो लहंगा लहंगा, तेरो लहंगा तेरो लहंगा क्या भलो चाजियो, रंगीली पिछोड़ी है वो जरा आँखों में लगा ले काजला, नजर लागली वो जरा आँखों में लगा ले काजला, नजर लागली नजर लागली नजर लागली नजर लागली। हफ्ते में अटवार का दिन टेलीफोन करिए मेरी सुहा, लगी रे सो आस रे तेरी कश्मीर की घाटी रे सुहा, वे पनारे की बाना लाग छे जमा जम, मधुली हिट दगड़ा मधुली हिट दगड़ा, पहाड़ा झूला भजन की ठंडी हवा, ठंडो पानी पिऊला भजन की ठंडी हवा, ठंडो पानी पिऊला, हिट मधुली मधुली मेरा पहाड़ा, मेरी पुन में फोटो तेरी इजा पूछे कोच तो, मेरी पुन में फोटो तेरी इजा पूछे कोच तो, तैक चली कांच रुनी नाम तैक मैं बता, पैकी चली कांच रुनी नाम तैक मैं बता, भली देखी नी बन रूपसी बार तक मेरी बना, बार तक मेरी बना, मेरी पुन में फोटो तेरी इजा पूछे कोच तो। पैलांग उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर उत्तराखंड की आवाज़ सीजन 2। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तराखंड की ऐसी म्यूज़िक टीम से जिन्होंने उत्तराखंड में धमाल मचाया हुआ है। अगर मैं पर्टिकुलरली एक कॉन्सेप्ट लेके बात करूँ, लहंगा कॉन्सेप्ट, जिसको आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, तो आज हम लहंगा टीम से ही मिलने वाले हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारी टीम का, मंगोली सर का, इंदर आर्या जी का, ज्योति मैम का, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। पहले तो मैं आशीष मंगोली आप सबका न्यूज़ 31 का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके इस सीज़न जो उन्होंने सीरीज शुरू की है, जैसे हमने लहंगा की शुरू की है, वैसे ही उन्होंने भी एक न्यूज़ की जो हमारी आर्टिस्टों की सीरीज़ शुरू की है, उसके लिए मैं उनको पूरी टीम को और मैम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे साथ आज इंदर आर्या जी और ज्योति जी भी आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में आई हैं। तो बाकी के आपको हमारे गाने का सफ़र कैसे शुरू हुआ वो सारा कुछ अब मैम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं इंदर आर्या जी से जानना चाहूँगी, सर अल्मोड़ा दनिया से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा सर, कितना स्ट्रगल, क्या मुश्किलें आई आज यहाँ तक पहुँचने में? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले न्यूज़ 31 उत्तराखंड टीम को उनके 1,00,000 सब्सक्राइब पूरे होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और स्ट्रगल बहुत किया मैम, आज नाम बन रखा है, सर की दुआ से बना है और साथ में ज्योति है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत कुछ देखना पड़ता है इस लाइन में जी। हाँ जी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको कब लगा ऐसा कि हाँ मैं म्यूज़िक फील्ड में कुछ कर सकती हूँ या मुझे सिंगिंग लाइन में ही आगे बढ़ना है? मैम जब मैं इंदर आर्या जी से मुलाकात हुई थी, फेसबुक के थ्रू हुई थी, तो इनके गाने काफ़ी पसंद थे। एक दिन इंदर आर्या जी ने मुझे बोला कि अपनी आवाज़ सुनाइए, सुनाया तो मुझे भी लगा कि मैं भी गा सकती हूँ, तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला आपको आपके घर में? घर पे सभी का पूरा सपोर्ट है। हाँ मंगोली सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि जो एक म्यूज़िशियन का काम होता है वो सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, क्योंकि गाना जो लिखा जाता है वो भी एक तरीके से देखा जाए तो सिंपल ही है, जिन लोगों को लिखना आता है, गाने वाले भी गा लेते हैं, बट मेन जो होता है वो म्यूज़िक होता है। म्यूज़िक चाहे तो गाना बना दे और म्यूज़िक चाहे तो गाना बिगाड़ सकता है। कितनी मेहनत लगती है सर इसको बनाने में? मैम एक गाना बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है हमें,
तो सबसे पहले तो हम लोग लिरिक्स सेलेक्ट करते हैं कि काफ़ी लिरिक्स आते हैं हमारे पास राइटर्स के, कि उसमें से हम लोग सारे बैठ के हमारी टीम मेंबर और स्टूडियो मेंबर्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें पसंद है, और देखना भी पड़ता है कि मार्केट में इस टाइम पे चल क्या रहा है, लोगों को क्या पसंद आएगा, तो उस हिसाब से हम लोगों ने सिलेक्शन करी इस गाने की. और फिर हमने इसकी कंपोजिशन स्टार्ट करी, फिर इंदर से हम मिले, फिर ज्योति से कांटेक्ट हुआ हमारा, फिर वॉइस टेस्टिंग करके फिर हमने इन लोगों को इस गाने के लिए प्रॉपर रेडी किया, प्रॉपर इनकी तैयारी कराई, और फिर उसका रिजल्ट आप सबने हमें दिया, इतना लोगों ने प्यार दिया उस गाने को. जी बहुत बहुत सुपर हिट रहा था सर. और मैं चाहूँगी कि इंदर सर और ज्योति मैम हमें लहंगा सॉन्ग जो है वो सुनाएं, जिसकी वजह से इतनी पॉपुलैरिटी आप लोगों को मिली है, तो उसकी कुछ लाइंस हो जाएं सर. तेरो लहंगा लहंगा तेरो लहंगा तेरो लहंगा लहंगा तेरो लहंगा तेरो लहंगा तेरो लहंगा क्या भोला छाजीरो तेरो लहंगा क्या भोला छाजीरो रंगीली पिछौड़ी है वो जरा आँखों में लगा ले काजला नजर लागली नजर लागली मेरू लहंगा मेरू लहंगा में भलो छाजीरो मेरू लहंगा में भलो छाजीरो रंगीली पिछौड़ी है मिले आँखों में लगे रो काजला नजर ने लागली नजर ने लागली नजर ने लागली नजर ने लागली. बहुत बहुत खूबसूरत, सच में आप लोगों की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और इस लहंगा सीरीज़ को लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं. तो मैं जानना चाहूँगी मैम, कैसा लगता है इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता आपको मिली है, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है. इंदर सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप संगीत जगत में अपना गुरु किसको मानते हैं, किससे आपने संगीत की शिक्षा प्राप्त की है? मैंने ऐसे सीखा तो है नहीं किसी से जी, पर बस हिंदी पंजाबी बाहर के गाने सुन सुन के थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत भगवान ने आवाज़ दे रखी, बाकी सर का ही है सारा आशीर्वाद और सर के साथ ही हमारा सारा काम होता है. हम कुछ भी लिख के ले के जाते हैं सर वहाँ पे सेट करते हैं स्टूडियो के अंदर गाने जी. तो बहुत खुशी होती है. और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गुरु है, लेकिन मानते हैं सभी को, जो भी मेरे से सीनियर आर्टिस्ट है मैं सभी को अपना गुरु मानता हूँ और मानता रहूँगा, और सभी को सपोर्ट भी करते हैं, सभी लोग करते हैं. मैं वैसे पर्सनली कहूँ तो श्री नैना राहुल जी को अपना गुरु मानता हूँ और श्री आशा नेगी जी को जी. तो सर, नैनाथ रावल जी का कोई ऐसा गीत जो आप गुनगुनाते हो जो आपको पसंद हो, उसकी कुछ लाइंस हो जाए अगर जी. धर्मा घाट सोके बैठा धर्मा घाट सोके बचा लूणा का व्यापारी लूणा का व्यापारी काकी चातू चली बटी काकी चातू बारी धर्मा घाट सोके बचा. बहुत बहुत खूबसूरत सर. मंगोली सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके गुरु आप अपने दादाजी को मानते हैं, तो कोई ऐसी मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? मेरे दादाजी ने मतलब बचपन से ही हमें मतलब म्यूज़िक का माहौल दिया है, और उनकी वजह से ही हम लोग आज सरवाइव कर रहे हैं जी. और मेरे चाचा जी हरीश मंगोली जी, जिन्होंने मेरे को सारा कुछ म्यूज़िक की टेक्निकलिटीज़ जितनी होती है उन्होंने सिखाई जी. और दादाजी के साथ हर एक मोमेंट ही स्पेशल होता है हमारा, एवरी डे स्पेशल होता है कि रोज़ कुछ ना कुछ हम सीखते हैं जी. तो ऐसा मेरे हिसाब से मैं किसी एक दिन को नहीं कह सकता, मेरे लिए हर दिन उनके साथ में जब भी मैं बैठता हूँ वो मेरे लिए स्पेशल ही होता है. सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखा है और आपका गाना भी है सांप बनके, तो मैं चाहूँगी कि उसकी कुछ लाइन्स आप गुनगुना दें. या श्योर. दिल विच रहनी है तू सांबण के दिल विच रहनी है तू सांबण के तू ही दिल तू ही जान खुदा बन के दिल विच रहनी है तू सांबण के दिल विच रहनी है तू सांबण के तू ही दिल
तू ही जा तू खुदा बनके। बहुत बहुत खूबसूरत सर, बहुत बहुत कमाल गाया आपने। म्यूज़िक तो आपका धमाल मचा ही रहा है, लेकिन आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी टीम ने अभी तक तो काफ़ी गाने बना लिए हैं, तो अभी आने वाले समय के लिए क्या प्रैक्टिस चल रही है? कोई नया गाना आने वाला है बहुत जल्द? अभी हम लोग कर रहे हैं लहंगा 4 की तैयारी जी, तो उसकी प्रेपरेशन चल रही है। अभी उसके कंपोजिशन के लिए हम लोग आज या कल से मैं भी बैठेंगे, क्योंकि मैम थोड़ा बिजी होते हैं और सर भी काफ़ी बिजी रहते हैं, तो इनसे मुझे टाइम लेना पड़ता है कि आप लोग टाइम निकाल के प्लीज़ हम बैठते हैं। क्यों सर? थोड़ा सा हमें आपस में टाइम कोऑर्डिनेशन हमारी आपस की सबकी ऐसी हो जाती है, तो लगे हुए हैं हम लोग आगे। लहंगा 4 बेसिकली अब आने वाला है, बहुत जल्द इसी साल लॉन्च होगा जनता के लिए जी। सर और मैम आपका गाना है तू मेरी पहाड़न, वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए उसकी कुछ लाइन्स गुनगुना दें। अरे मैं पहाड़ी तू मेरी पहाड़न, मैं आते ऊँची तेरे मेरे बचपन। अरे मैं पहाड़ी तू मेरी पहाड़न, मैं आते ऊँची तेरे मेरे बचपन। वो जा ढोल दमुका बजे बजे छी, वहाँ तेरे मेरे यो नाच देखे छी। वो जा ढोल दमुका बजे बजे छी, तेरे मेरे नाच देखे जी। बहुत बहुत खूबसूरत सर, बहुत बहुत खूबसूरत मैम, सच में बहुत कमाल है आपकी आवाज़। सर इंदर सर अगर मैं बात करूँ बोल हीरा बोल की, तो काफ़ी कम समय में उस गाने ने जो है वो सफलता हासिल कर ली थी, तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि कितनी मेहनत लगी उस गाने के पीछे आपकी? मैम मेहनत तो आपको पता सभी गानों में लगते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत मेहनत लगी है और बहुत अच्छा लिरिक्स लिखा हमारे चंदन भाई जी ने, और सर ने उसमें म्यूजिक किया और मैंने गाया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और उसकी दो लाइन मैं आपको जरूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि इस टाइम वो ट्रेंडिंग सॉन्ग पे चल रहा है, सारे लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। वो हमने पर्सनली मैंने जो है इंडियन आर्मी के लिए कर रखा है, डेडिकेट किया हमने इंडियन आर्मी को, तो दो लाइन तो बहुत कमाल बात है सर, बिल्कुल सुनाइए। बोले हीरा बोल क्या तेरा मन है में, दिल की बात बोल जच तेरा दिल है में। बोल हीरा बोल कच तेरा मन है में, दिल की बात बोल जच तेरा दिल है में। किले चेरी सही तू क्या बातें लुकाई तू, किले चेरी सही तू क्या बातें लुकाई तू। बोल हीरा बोल चुप न रह नौके लाग छी, बोले हीरा बोल चुप न रह नौके लाग छी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत बहुत खूबसूरत। ज्योति मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, सिंगिंग तो आप करती हैं, उसके अलावा और क्या करती हैं आप? मेरी अभी मैम स्टडी चल रही है जी। हाँ, स्टडी में बेसिकली क्या प्रेफर कर रही हैं? बीकॉम मेरा लास्ट ईयर अभी चल रहा है, तो फ्यूचर में क्या प्लान कर रही हैं आप? म्यूजिक लाइन को ही लेकर प्लानिंग चल रही है या फिर कुछ और है मन में? ऐसा तो भी म्यूजिक लाइन तो मेरा एक शौक है, ये भी चल ही रहा है जी, आगे को भी जॉब की तैयारी जी। इंद्र सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके गानों को लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, उत्तराखंड के कल्चर को आप आगे लेकर जा रहे हैं, आप अपने चाहने वालों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को यही कहना चाहूँगा, आप लोग सपोर्ट करो हमें और हम हमेशा आपके साथ हैं और आपको झूमने पे हमेशा मजबूर करेंगे, और अपने उत्तराखंड के लिए भी हम करते रहते हैं, कल्चर के ऊपर भी हम गाने करते हैं जी। और डीजे में तो हमारे खैर यहीं लोग बहुत पसंद करते हैं भाई, यही है कि हम लोगों को सपोर्ट करो और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और उत्तराखंड को सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट करो तो उत्तराखंड का नाम होगा। मैं यही चाहता हूँ बस, आप लोग ऐसे प्यार अपना आशीर्वाद हम लोगों को देते रहें और हम आपको ऐसी नाचने पे मजबूर करें जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्यार करेंगे लोग, आप लोग भी लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए और उनको उनके कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो लोग सुनना पसंद करते हैं आपको और आगे भी करेंगे। सर आपका पहला गाना था वो पुष्पा, तो मैं चाहूँगी उसकी कुछ लाइन्स हो जाएं।
जरूर जरूर, वो मेरा लाइफ का पहला गाना था, ऐसी हमारे सोनू बग्वाल जी ने लिखा, जिन्होंने मुझे पर्सनली इस लाइन में आने के लिए मजबूर करा, उन्होंने कहा आप अच्छा गाते हो, हम लिखेंगे आपके लिए और आप गाओ। वो गाना मैंने अपनी वाइफ के लिए गाया था, मतलब उनके नाम से ही शुरू किया था, बस आज उनके नाम से यहाँ तक हूँ। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, दो लाइन सुनाना जरूर चाहूँगा। तेरा उन्हें बटा मिले फूल सजा रखी, तेरा उन्हें बटा मिले फूल सजा रखी, तू वाली कबेर पुसु दिया जल रखी, तू वाली कबेर पुसु दिया जल रखी, ओ पुष्पा तू च मेरी जान रहे, जिंदगी चे ते पे कुर्बान रहे, ओ पुष्पा तू च मेरी जान रहे, जिंदगी चे ते पे कुर्बान रहे। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत खूबसूरत सर। मंगोली सर, आप पंजाबी म्यूज़िक भी बनाते हैं, कुमाऊनी भी बनाते हैं और हिंदी भी, और बॉलीवुड में भी आपका द स्लम स्टार्स में आप म्यूज़िक दे चुके हैं मूवी में, हर एक सॉन्ग मतलब एक एक्सपीरियंस देकर जाता है कुछ ना कुछ, तो मैं जानना चाहूँगी कैसा रहा इन सब अभी तक सॉन्ग जो आपने बनाए उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा फील होता है सर आपको? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, मुझे हर जगह से प्यार मिला, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या पंजाबी हो, कुमाऊनी हो या गढ़वाली उत्तराखंडी, सभी इंडस्ट्रीज से मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। और मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रहा है कि हमारे मेरा बहुत दिल रहता है कि मैं अपने उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा अच्छा म्यूज़िक डे बाई डे बनाता रहूँ और सारे उसको इंजॉय करें। सर आपके गाने तो मतलब बहुत खूबसूरत होते हैं, एंजॉय सभी करते हैं, और ऐसा कोई नहीं होगा जो अभी तक इन गानों पे ना नाचा हो या जिसने जिसको पसंद ना आया हो आपका म्यूज़िक, बहुत कमाल म्यूज़िक है आपका। और मैं इंद्र सर मैं आपसे बोलना चाहूँगी, आपका गाना है मैं बजू मुरली, वो गाना बहुत पसंद किया है लोगों ने, बहुत खूबसूरत गीत है, तो मैं चाहूँगी उसकी कुछ लाइन्स हो जाएँ। दूर जंगला ग्वाला तू आए सरूली, दूर जंगला ग्वाला तू आए सरूली, तू गली न्योली मेरे सैरू मैं बजू मुरूली, तू गली न्योली मेरे सैरू मैं बजू मुरूली, दूरा का जंगला सरू जुली रखा फैला, दूरा का जंगला सरू जुली रखा फैला, बोतया देउनी सरू संग बिताई पहला, बोतया देउनी सरू संग बिताई पहला, दूर जंगला ग्वाला तू आए सरूली, दूर जंगला ग्वाला तू आए सरूली, तू गली न्योली मेरे सैरू मैं बजू मुरूली, तू गली न्योली मेरे सैरू मैं बजू मुरूली। थैंक यू सो मच मैम। सर बहुत खूबसूरत। ज्योति मैम, लोग आपकी आवाज़ को इतना प्यार देते हैं, आप इतना खूबसूरत गाती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपना आइडल किसको मानती हैं? मैम देखिए, आइडल तो मेरे सभी हैं, सभी की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। जी फिर भी पर्टिकुलरली कोई एक जिसको देख के आपको लगता हो कि हाँ ये मुझे बहुत पसंद है और कहीं ना कहीं मैं भी कोशिश करूँगी? इंद्र दा मेरे सबसे बड़े आइडल यही हैं। थैंक यू। आप इंद्र सर को अपना आइडल मानती हैं? जी। इंद्र सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, लहंगा थीम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया जो अभी इतना ट्रेंड कर रहा है, मतलब उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में पूरी तरीके से धमाल मचाया हुआ है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? मैम लहंगा शब्द बहुत मुश्किल से मिला जी। जब मिला तो और हमने बहुत अच्छा लेवल पे लेके गए हैं और उसके सारे पार्ट सभी को पसंद आ रहे हैं जी। और ऐसे ही मैंने बहुत न्यूज में बताया भी है कि लहंगा जैसे हमारे पहाड़ में सभी चीज़ों पे गाने बजे बने हैं, धोती ब्लाउज पे, साड़ी पे, हर चीज़ पे, तो लहंगा के ऊपर गाना नहीं बना था जी। तो हमारे जो उत्तराखंड के जो भी हमारे माताएं बहनें हैं, जब भी शादी ब्याह कोई भी समारोह होता है तो वहाँ पे पहनते जरूर हैं लहंगा जी। तो मैंने कहा यार क्यों ना ये हम लहंगा पे गाना लिखे, तो सोनू बग्वाल जी ने लिखा और उसका फर्स्ट पार्ट और सर ने म्यूजिक दिया था 2018 में। उसके बाद फिर हमने लहंगा की सीरीज शुरू कर दी, फिर टू हमने किया जूते के साथ, वो सुपर हिट गया 19-20 में, अभी 24 मिलियन होने वाला है। और फिर उसके बाद हमने 20 में
लहंगा 3 किया, वो भी सुपर हिट है, 1 करोड़ से ऊपर व्यूज हैं। अभी 4 की तैयारी चल रही है, बहुत जल्दी लहंगे में जो जो ब्यूटीज होती है ना आने वाले 10 पार्ट्स में आपको सब पता लग जाएगा, सब पता लग जाएगा कि हाँ जी कि लहंगा मतलब बहुत जल्दी उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत तड़कता भड़कता और बहुत ही सुपर हिट गीत जो है वो आने वाला। हमारी कोशिश है कि हम लहंगे के रेट को बहुत हाई करें जी, क्योंकि जीन्स वगैरह सस्ती मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। लहंगा अरे कोई कोई बेसिकली लहंगे को जो है वो ट्रेंड में लाना है, ट्रेंड जो मेन मोटिव है वो। जी जी हाँ जी जी, बहुत जल्दी हम वो लीरा 2 भी लिख रहे हैं जिसमें ज्योति मेरे साथ ड्यूट करेगी, बहुत अच्छा हम उसको कर रहे हैं। जिन्होंने लहंगा वो लीरा लिखा है चंदन भाई जी ने, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा गाना लिख के दिया मुझे पहला ही, और उन्हें और भी गाने दे रखे मेरे को, उनके और भी गाने हैं मेरे पास गाने अभी, और जो बोल ही रहा है 2 पार्ट वर्जन है जो उसको लिख रहे हैं वो जल्दी हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे जी। हाँ जी, तो मतलब उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत जल्द बहुत अच्छे अच्छे गीत जो हैं वो आने वाले हैं, तो आप लोग सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और सर आपका गाना आया था अभी हफ्ते में, जो आपका सॉन्ग है वो बहुत पसंद आया लोगों को, बहुत कमाल की लिरिक्स है, तो मैं चाहूँगी कि आप उसकी कुछ लाइन्स गुनगुना दें। मैं हुला बडेरा तू हली पहाड़ा, मैं हुला बडेरा तू हली पहाड़ा, त्वेक मेरी मेरी त्वेक आई होली आदा, मेरी त्वेक त्वेक मेरी आई होली आदा, बॉर्डर जुनिया लीरा तुम लगे चरनी सास में सुबह लग रे यू आस में तेरी कश्मीर की घाटी में सुआ, अब ते मैं तारा का दिन टेलीफोन करिए मेरे सुआ, लग रे यू आस में तेरी कश्मीर की घाटी में सुआ। सूरज सर आप लोगों ने हमें आज अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग यहाँ आए और हमें बहुत मज़ा आया आपके गाने सुनकर और आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करूँगी कि हमारे उत्तराखंड की जनता को भी बहुत पसंद आया होगा हमारा आज का प्रोग्राम। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आप लोग देखते रहिए News 31 उत्तराखंड, धन्यवाद। यो मंगोली साहब, थैंक यू सो मच। इंदिरा आर्या ज्योति आर्या।